अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं DAP के दो बैग लेके आया हूँ। जब मैंने इनको खोला है अपनी ज़मीन के अंदर छटक करने से पहले, तो इसके अंदर जो मुझे चीज़ नज़र आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो टोकन नहीं है, जो सब्सिडी मिलती है 1,000 रुपये, उसका वो टोकन नहीं है। और ये DAP है, इसका कलर चेक करें। इसमें से तकरीबन जो है 80% जो DAP के दाने हैं, खाद जो है DAP, वो पुरानी खाद है, इंतहाई घटिया किस्म की। और उसमें से जो 20% है, 20% अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो कुछ फ्रेश दाने हैं, बाकी जो है वो सारे इसके अंदर मिक्सिंग की हुई है। DAP के ये जो दो बैग थे, ये मैंने हाल ही साहब हैं जी मुआजर से खाद के डीलर हैं, उनसे मैंने लिए। तो अभी मेरा उनसे कॉन्टेक्ट हुआ है, उन्होंने कहा है जी आप आ जाएँ, मैं मुझे दिखाएं खाद क्या इशू है। तो ये मैं अब खाद लेके जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं सारी जो है ये 2 नंबर ही खाद है, आधी से ज़्यादा मिक्स है। 50 किलो के बैग में से अगर 10 या 15 किलो खाद जो है वो ख़राब निकल आती है तो वो बेअसर है, और उसने आपकी पैदावार के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालना है। हमारे DAP के जितने भी फार्मर्स हैं जो यूज़ करते हैं, तो अगर आपने DAP ली है और आपकी जो है वो DAP ख़राब निकल आती है, तो आप अपने डीलर के पास वापस जाएँ और उनको कहें जी हमें आप जो है वो फ़्रेश माल दें, अच्छी खाद दें। तो आपकी जो 6 माह की फसल होती है, आपने 6 माह उसके ऊपर 6 पानी लगाने हैं, उसके बाद आपने स्प्रे करने हैं और खादें डालनी हैं, तो आपकी जो पैदावार है और 6 माह की जो मेहनत है उस पर DAP का ही इन्हिसार होता है। अगर आपकी DAP ज़मीन की पूरी होगी और अच्छी होगी तो उसने आपको पैदावार देनी है, अदरवाइज़ जो है आपको अच्छी पैदावार हासिल नहीं होगी। तो अब मैं ये वापस लेके जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ। DAP घिन के गया, बीच मिक्स निकली है, इतना ऊँचाई ने टोकन ही बीच कौन चलो कम अज कम टोकन हो खाद तो चंगी हो देखे ना नापी देखो ये देखो जमीन समान दफा के